हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी चिकन कड़ी और पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके सारे पानी को निकाल लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें डाला है तेल, ये सरसों तेल है, ये 4 टेबल स्पून तेल है, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, 2 तेज़पत्ता। अब इसमें डालेंगे प्याज, ये 3 प्याज है स्लाइसिस में कटे हुए, और इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को बहुत ही अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो चुका है, बस हमें इतना ही चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं भूनना है। बस जब इस तरीके का हो जाए तब इसमें कुछ डालेंगे बेसिक मसाले, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने डाला है। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से सभी चीज़ मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये 1 प्याज बड़े साइज़ का, और 1 टमाटर को मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। इसे डालने के बाद इसी मिक्सर जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और इसे भी डाल देंगे। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें डाल देंगे चिकन को। अब यहाँ पे मैंने सारे चिकन को डाल दिया है और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए चिकन को भूनना है हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसी तरह मैंने 3 से 4 मिनट तक ढककर भुना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन में अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे एक बार चला देंगे। चलाने के बाद अब इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक चिकन को। और जब तक ये चिकन पकता है हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर चावल को मैंने पहले से फुला कर रख दिया था, और ये 1/2 kg चावल है, और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने एक पतीला लिया है, उसमें डालेंगे तेल, ये रिफाइंड तेल है, और यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मैंने। अब मैंने 2 प्याज को लिया स्लाइसेस में कट करके, और इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा गोल्डन फ्राई हो चुका है, बस हमें इतना ही चाहिए। अब इसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसी तेल में अब कुछ डालेंगे खड़े मसाले। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और 1/2 टेबल स्पून स्याह जीरा डाला है, और इसे ढक के लो फ्लेम पर 1 सेकेंड के लिए इस तरह से चटकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, और इसे हल्के हाथों से 1 से 2 सेकंड के लिए चलाते हुए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब यहाँ पे मैंने 1 से 2 सेकंड चावल को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। आप जब भी चावल इस तरह से बनाएं पुलाव, तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिया था, तो 3 कप पानी डाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल के ऊपर बस हल्का सा ऊपर पानी है, बस इतना ही डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है। और जब एक बॉयल आ जाए तो ढक के इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, और बीच में एक बार चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर चावल बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और खिला खिला बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से चावल 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, उसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब उसमें डाल देंगे, और उसमें डालेंगे ये केवड़ा है, 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पुलाव बनकर रेडी हो चुका है, और बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार हुआ है, परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पे चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है ये चिकन कढ़ी और पुलाव। एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।